मैं एनिमल दोस्त एंड आज मैं आपसे बात करूंगा देसी चिकित्सा के बारे में। जैसा कि इंडिया में, भारत देश में कई प्रकार की जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा जो रहती थी कि अपने घर की चीज़ों से जो है इलाज करना, फूल पत्ती इन सब में मतलब अलग अलग कंपाउंड से, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। बट अब जैसे जैसे टाइम आया तो एलोपैथ की तरफ हम लोग ज़्यादा हो गए हैं। बट अब टाइम ऐसा आ रहा है कि हम वापस जो है आयुर्वेद पर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। तो सेम काम आपका जो है वेटनरी में भी हो रहा है, ठीक है। इसको एथनो वेटनरी कहते हैं, ठीक है। कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो बट मैं बात करूँगा कि आप पशु चिकित्सक से पहले जो है कई सारे इलाज करते हैं कि हल्दी जीरा जो भी लगाते हैं आप, ठीक है, उनको मैं साइंटिफिक वे में लाने की कोशिश करूँगा कि उनका आप यूज़ सही से कैसे करें, ठीक है। जैसे हल्दी यूज़ करते हैं वुंड में, बहुत सारा देखा गया होगा आपने, नॉर्मली देखा होगा। तो हाँ, बहुत अच्छा है, वो इफेक्टिव है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है उसमें, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा इसमें कई सारी कमियाँ हमें दिखी हैं कि आप जानकारी के अभाव में करते हैं कुछ सारे लोग, कि अभी जैसे मैंने देखा है कि लंपी स्किन डिजीज़ जो बीमारी चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एनिमल को हो जाती है कभी कभी, बट उस स्टेज में नहीं, अब स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, जब स्टार्टिंग हुई है डिजीज़ की, तो उस स्टेज में काम कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक रेमेडी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लेने हैं 4 पान के पत्ते, ठीक है, पान के पत्ते लेने हैं आपको 4। उसमें 10 ग्राम काली मिर्च मिलानी है और 10 ग्राम हल्दी मिलानी है और 10 ग्राम सादा नमक, ठीक है, सिंपल। और इसमें गुड़ के साथ में गुड़ थोड़ा सा 50 ग्राम, मतलब लड्डू बनाने के लिए गुड़ का अमाउंट आप क्लियर कर लेंगे। ये है एक टाइम के लिए, आपको ये 3 दिन तक देना है, ठीक है, 3 बार, ठीक है, सुबह शाम दोपहर 3 दिन तक, ऐसे करके 3 दिन। उसके बाद 2 हफ्ते तक देना है सुबह शाम केवल, ठीक है। आपको 2 वीक तक ये करना है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है एनिमल की और वो लंपी डिजीज से रिकवर हो जाती है, ठीक है। मैंने ये जो है रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश है, इस पर अच्छा खासा जो रिसर्च हुआ है इस इथनोवेटनरी प्रिपरेशन पे, और साथ में मैंने भी जो है ट्रायल में देखा है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये बहुत अच्छे जो है इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आप बिना किसी पशु चिकित्सक से ऐसे प्रोडक्ट जो है जो आयुर्वेदिक हैं या घरेलू हैं, इनकी चीज़ों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी कई सारे केस आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो सिंदूर जो होता है वो इफ़ेक्टिव है लंपी स्किन डिजीज़ के लिए, बट उससे प्रॉब्लम दूसरी बहुत सारी आती हैं, लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है, डायरिया हो जाता है पशु को, और यहाँ तक डेथ भी हो जाती है। लंपी स्किन डिजीज़ से भले वो उसकी डेथ ना हो एनिमल की, बट आपने ये खिला दिया तो पक्का होनी है, और अच्छे खासे अमाउंट में खिलाते हैं ओनर। तो इन चीज़ों से बचना है, ठीक है, पशु चिकित्सक की सलाह के साथ ही ये प्रोडक्ट भी यूज करने हैं। अब जैसे मैंने बताया, कुछ प्रोडक्ट होते हैं स्पीसीज वाइज होते हैं। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि लहसुन वगैरह जो है ना, ये इफ़ेक्टिव है एज ए प्रोकाइनेटिक, थोड़ा सा डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है ये, बट डॉग में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डॉग में अलग चीज़ आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, चीज़ें बदलती हैं, एंड जानवर जो है किसी चीज़ के लिए टॉक्सिसिटी होती है किसी एनिमल में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखेंगे, आप नहीं रख सकते हैं, आपको पशु चिकित्सक की सलाह चाहिए होगी। तो अगर आप भी कोई प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं देसी चिकित्सा में, उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका मैं साइंटिफिक रीज़न बताऊँगा कि आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और साथ में मैंने जो बताया अभी लंपी स्किन डिजीज़ के लिए ऐसा हो गया, इसके अलावा कई सारी डिजीज़ हैं, मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा, इसमें आपको बताऊँगा डाइजेस्टिव में मतलब कभी अफरा वगैरह हो जाता है, मतलब हर सारी चीज़ के बारे में, कभी पशु आपका कम खाना खाता है, उसके भी अलग अलग टाइप हैं, आप एक चीज़ के लिए सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं साइंटिफिक बताऊँ, जैसे लोग जिंजर खिलाते हैं, अदरक खिलाते हैं, तो वो इफेक्टिव है, अच्छी खासी इफेक्टिव है, क्योंकि एज ए प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी रहती है उसमें, और रिसर्च वगैरह भी पब्लिश हैं कि वो इफेक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने LSD के लिए मेनली वीडियो था, और ये सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पशु चिकित्सक से पहले जो आप घर पर सलाह देते हैं एनिमल को इलाज, वो आप थोड़ा साइंटिफिक वे में करेंगे वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।